आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री नाभाजी महाराज द्वारा वर्णित श्री भक्तमाल जी में श्री महाराज चंद्रहास जी की कथा को सुनेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री सद्गुरु देवाय नमः, श्री नाथाजी महाराज की जय, श्री सीताराम भगवान की जय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न ने, नाशत विघ्न ने। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बंधु च सखा, त्वमेव विद्यादरुणं, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आदरणीय भक्तजनों, आज श्री महाराज चंद्रहास जी की कथा है। यह कथा इतनी अच्छी है कि सुनने वाले का मन प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि महाराज चंद्रहास जी ने अपने भक्ति के प्रभाव से अपने राज्य के सभी लोगों को, यानी भारत, पूरे भारतवर्ष में भक्ति की ऐसी ऐसी सरिता बहाई कि सब लोग प्रसन्न हो गए और सब पवित्र हो गए। यहाँ तक कि उन्होंने अपने ससुर जी को और अपने पति पत्नी के भाई यानी साले साहब को, ये दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी माता भवानी के कोप से, और माता रानी को प्रसन्न करके इन्होंने पुनर्जीवन दे दिया, यानी वे दोनों फिर से जीवित हो गई। ऐसे चंद्रहास जी की कथा है। अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। श्री नाभाजी कहते हैं, केरल में एक सुधार्मिक नामक राजा रहते थे, उसी के पुत्र थे भक्त चंद्र हास जी। उनके जन्म के थोड़ी दिनों के बाद एक शत्रु राजा ने उनके पिताजी के राज्य पर आक्रमण कर दिया। बड़ा भारी युद्ध हुआ। भयंकर युद्ध में दोनों ओर से बहुत सारे सैनिक मारे गए। अंत में चंद्रहास के पिता श्री राजा सुधर्मा भी शहीद हो गए। उनकी माता सती हो गई। उनके राज्य पर उन्हीं दुश्मन राजाओं का कब्जा हो गया। उनकी एक धाई माँ थी, वह उनको लेकर के एक दूसरे राज्य में, जिसका नाम था कुंतलपुर, उस राज्य का एक महामंत्री था जिसका नाम था धृष्टबुद्धि, धृष्टबुद्धि के घर पर रहने लगी और वहीं सेवा टहल करने लगी, और चंद्रहास को अपना पुत्र बताकर उनका पालन पोषण करने लगी धाई माता। थोड़ी समय के बाद, यानी जब 5 साल की चंद्रहास जी की आयु हुई, तो वह धाई माँ भी स्वर्ग सिधार गई। अब चंद्रहास जी अनाथ हो गए। वो देखने में इतने सुंदर थे, इतने प्यारे थे कि कोई भी उनसे प्यार करता था। जो कोई कुछ दे देता था, चंद्रहास जी ऐसे ही पाले थे। जहाँ तहाँ कहीं भी सो जाते थे, जहाँ नींद आई, परंतु उनके मन में भगवान के प्रति बचपन से ही बड़ी श्रद्धा थी। वे जब बच्चों के साथ खेल खेलते थे तो भगवान का छोटा सा मंदिर बनाते थे, उसकी पूजा करते थे। ऐसे ही वह खेल खेलते थे बच्चों के साथ। इस भगवान के साथ प्रेम होने के कारण महात्मा नारद जी को उन पर बड़ी दया आ गई। उन्होंने एकांत में चंद्रहास जी को दर्शन दिए और कहा कि पुत्र, ये तुम छोटी सी शालिग्राम की मूर्ति ले लो, और उनके कान में राम नाम का मंत्र भी दे दिया और कहा तुम इसी मंत्र से भगवान की पूजा करना और शालिग्राम की पूजा करना, जो जो कुछ भी तुमको प्रसन्न मिलेगा भगवान को भोग लगाना, फिर तुम पा लेना। अब
चंद्रहास जी नारद जी के बताए अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन उस दुष्ट बुद्धि जो मंत्री था यानी कि दृष्ट बुद्धि, उसने बड़े प्रेम से ब्राह्मणों को अपने घर पर बुलाया और ब्राह्मणों को भोजन दिया। भोजन करने के पश्चात वहाँ पर बहुत से विद्वान ब्राह्मण आए हुए थे और दुष्ट बुद्धि उनके पास जाकर कहने लगा कि हे ब्राह्मणों, हे विद्वानों, मेरी पुत्री का भाग्य बताओ, मेरी पुत्री का भाग्य कैसा है और मेरी पुत्री का विवाह किसके साथ होगा। उन ब्राह्मणों ने मन में विचार किया, वहीं पर चंद्रहास जी खेल रहे थे बालकों के साथ, उनकी तरफ इशारा करके कह दिया कि यही तुम्हारी पुत्री का पति होना चाहिए। जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार से कहा तो वो तो बड़ा दुखी हो गया, उसके मन में तो इतनी पीड़ा होने लगी, उसको ऐसे लगा कि जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। बड़ा ही संकोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं, कैसी लज्जा की बात है, मैं इतना बड़ा महामंत्री हूं और मेरी पुत्री का जो पति होगा क्या वो एक दासी का पुत्र होगा। यह सोच करके वह बड़ा दुखी हो गया। उसने सोचा ऐसे तो मेरी बड़ी अपकीर्ति होगी, इसलिए अब यही अच्छा है कि इसको मरवा दिया जाए, इस बालक को। उसने फिर दो बधी को बुलाया और उनसे कहा कि इसको मार डालो, किसी जंगल में ले जा करके इसको मार डालो। बधिरों ने ऐसा ही किया और साथ में ये भी कहा, जब इसको मारोगे तो कोई निशानी मेरे लिए ले आना। बधिक लोग उसको लेके गए जंगल में और उससे कहने लगे कि तुमको कोई बचाने वाला है तो उसको बुला लो। तब चंद्रहास जी कहने लगे कि मैं तुमसे इतना ही चाहता हूँ कि तुम मेरे को थोड़ी देर में मारना, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। बधिकों ने उसकी बात मान ली। चंद्रहास ने अपने मुख से एक गोल शालिग्राम जी को निकाला और उनकी वन में से जा कर के पानी लाया, उनको स्नान कराया, फिर फूल चढ़ाए, फिर फल ला करके उनको भोग लगाया। भोग लगाने के बाद फिर उनको अपने मुख में रख लिया और ध्यान लगा करके तल्लीन हो गए। तब उन्होंने बधिकों को इशारा किया कि अब तुम मेरे को मार सकते हो। जैसे ही बधिकों ने उसको मारने के लिए तलवार उठाई तो वे मूर्छित हो गए और नीचे गिर पड़े। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आया तो सोचने लगे कि हे भगवान, तुमने हमारा जन्म कैसे ऐसी जगह कर दिया जहाँ कि हम लोगों को न चाहते हुए भी इतना बड़ा पाप करना पड़ रहा है। ये छोटा सा बालक है, हम इसकी हत्या कैसे करें, प्रभु आप हम पर कृपा कर दीजिए, अब हम क्या करें। चंद्रहास को देख करके प्रभु की कृपा से उनका मन परिवर्तन हो चुका था। तब एक बधिक की नजर चंद्रहास जी के पैर पर पड़ी। चंद्रहास जी के एक पैर में 6 उंगलियां थी। उन्होंने उस उंगली को काट करके दृष्ट बुद्धि को निशाने के तौर पर दिखा दिया और दृष्ट बुद्धि ने भी सच मान लिया। जाको राखे साइया मार सके न कोई, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होई। अब चंद्रहास जी के उंगली कट जाने के कारण वे बड़ा ही वहाँ पर दर्द के मारे कराह रहे थे। उसी कुंतलपुर के समीप ही एक और छोटा सा राज्य था जिसका राजा था कुलिंद। उस नगरी का नाम था चंदनावती। वह राजा उसी मार्ग से निकल रहा था। उसने देखा कि एक बालक पड़ा हुआ है जंगल में। वह उनके पास गया और अति प्रसन्न हुआ क्योंकि
चंद्रहास के ऊपर एक पक्षी छाया कर रही थी। वो पक्षी अगर किसी के ऊपर छाया करती है, किसी मनुष्य के ऊपर, तो वह सम्राट बनता है और चारों तरफ उसको हिरणियों ने घेर रखा था। चंदनावती के राजा कुलिंद ने निसंकोच होकर दौड़कर बालक को गोद में उठा लिया और घर लाकर पुत्र जन्म के समान आनंद मंगल मनाया, यानी बड़ा उत्सव, बड़ा भारी उत्सव मनाया और घर लाकर अपनी पत्नी को दिया बड़ा प्रेम से। अब राजा के राजमहल में बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, सब बड़े प्रसन्न हैं। थोड़े दिनों के बाद जब समय हुआ कि चंद्रहास थोड़े बड़े हो गए, तो चंद्रहास का उस राजा ने राज सिंहासन पर राज्याभिषेक कर दिया, अर्थात उनको राजा बना दिया। चंद्रहास ने अपने राज्य में भक्ति का इतना प्रचार किया कि सब लोग भगवान की भक्ति में लग गए। चंद्रहास ने कुंतलपुर के राजा का कर देना बंद कर दिया। चंद्रहास के जो पिताजी थे वे कुंतलपुर नरेश को पहले कर दिया करते थे, परंतु चंद्रहास जब राजा बन गए तो उन्होंने सारा पैसा भगवान की भक्ति में, भंडारे में, इसमें उसमें खर्च करने लगे और कर देना बंद कर दिया। अतः उस राजा ने कर वसूल करने के लिए धृष्ट बुद्धि को भेजा कि वो राजा, पड़ोसी राजा के वहाँ से जो टैक्स आता था वो क्यों नहीं आ रहा, वो टैक्स क्यों नहीं जमा कर रहे हैं, तुम जा कर के देखो तो सही क्या कारण है। चंदनावती के राजा ने जब वो वहाँ पहुँचे, धृष्ट बुद्धि, उनका बड़ा सम्मान किया। मंत्री ने चंद्रहास जी को पहचान लिया कि यह तो वही बालक है। मन में इतने खीज गए, इतना क्रोध आ गया, तो अब कपट फिर से रचने लगे, सोचने लगे कि इस बालक को तो मैं मरवा के ही रखूँगा। तब उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, यानी दुष्ट बुद्धि ने चिट्ठी लिखी और चंद्रहास को दी और कहा कि इसे मेरे लड़के मदन सेन के हाथ में दे देना और कहना कि इसमें जो लिखा है वैसा ही करना, कार्य को जल्दी ही करना, ऐसे कहना। चंद्रहास जी पत्र लेकर कुंतलपुर को चले गए। नगर के समीप एक बाग में भगवान की सेवा का समय हो गया ये जानकर वे ठहर गए। वहाँ उन्होंने बड़े प्रेम से भगवान की सेवा की, फिर सोचने लगे चलो थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। और उसी बगीचे में वे विश्राम करने के लिए लेट गए। भगवान की ऐसी लीला हुई कि उनको वहाँ पर नींद आ गई। थोड़ी देर में धृष्ट बुद्धि की जो पुत्री थी, जिसका नाम था विषया, वह अपनी सहेलियों के साथ उसी बगीचे में खेलने के लिए आई। विषया ने देखा कि यहाँ पर कोई राजकुमार सोए हुए हैं। वो उनके पास आई और उन्हें बड़े गौर से देखने लगी। उनको देख करके वो उनमें प्रेमाशक्त हो गई, यानी कि उनसे उनका प्रेम हो गया। फिर वह अपनी सखियों में गई, फिर सखियों से छिप छुपा के फिर दोबारा से आ गई, फिर अच्छी प्रकार से देखने लगी। उसने देखा कि उनकी पगड़ी पर एक चिट्ठी है, यानी कि एक पत्र दिख रहा है। उसने चुपके से उस पत्र को निकाला और उसमें उसको पढ़ा तो उसमें ये लिखा था कि इसको विष दे देना। वो सोचने लगी, बताओ जी पिताजी ने ये क्या लिखा, ये तो मेरे पिताजी की राइटिंग है और पिताजी ने कैसा पत्र लिखा, ये विषया देने की जगह गलती से विष देना लिख दिया है। उसने अपनी आँख से काजल निकाला, उस विष की जगह या लगा दिया, अब हो गया विषया, अब विषया देना हो गया। और फिर चुपके से उस पत्र को उनकी पगड़ी में रख दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मेरा विवाह इन्हीं के साथ होना चाहिए। और अपने सहेलियों के साथ फिर से अपने भवन में आ गई और वहां आकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। थोड़ी देर बाद चंद्रहास जी की नींद खुली, फिर वे घोड़े में सवार होकर के मदन सेन के पास आ गए। मदन सेन ने देखते ही उनको
इतना प्रेम हमारा आया उनके मन में, उनको गले से लगा लिया। फिर चंद्रहास जी ने उनके हाथ में उनके पिताजी के दिया हुआ वो पत्र दे दिया। पत्र पढ़कर वे और भी प्रसन्न हो गए कि मेरी बहन के लिए इससे अच्छा योग्य वर हो ही नहीं सकता। उन्होंने जल्दी से पंडित जी को बुलाया, पंडित जी को बुला करके दोनों का विवाह कर दिया। इतना सारा उन्होंने दान अपनी बहन को दिया जितना कि उस समय के राजाओं ने कभी नहीं दिया था। बड़ी धूमधाम से विवाह हो गया। जब विवाह संपन्न हो गया तो फिर वो दृष्ट बुद्धि वहाँ पहुँच गया। उसके तो जैसे तन बदन में आग लग गई चंद्रहास जी को दूल्हा बना देख करके। उसने एकांत में मदन को बुलाया और पूछा, तूने ये क्या कर दिया? उसने बोला, पिताजी मैंने क्या कर दिया, आपके कहे अनुसार ही तो किया। पिताजी ने बोला, मैंने ऐसा क्या कहा था भाई? उसने पत्र दिखा दिया। पत्र दिखाया तो और भी दुखी हो गया। अब वह मन मन में एक और उनको मारने के लिए सोचने लगा कि कैसे भी हो, चाहे अब मेरी पुत्री विधवा क्यों न हो जाए, पर मैं इसको अवश्य ही मार डालूंगा। उसने दुष्ट बुद्धि ने जब विवाह संपन्न हो गया, दूसरे दिन सुबह चंद्रहास जी से बोला, पुत्र हमारे कुल की ऐसी परंपरा है कि माता भगवती के मंदिर में दूल्हा अकेले जाता है और उनकी पूजा अर्चना करता है। और उधर उसने दो बधिकों को मंदिर में बिठा दिया कि आज प्रातः ही जो भी पूजा करने के लिए आ जाए तो तुम उसकी गर्दन को काट देना। इधर तो चंद्रहास जी पूजा करने के लिए मंदिर के लिए जाने लगे। उधर जो कुंतलपुर का राजा था उसने भी सोचा कि जो दृष्ट बुद्धि है उनका जवाई चंद्रहास बड़ा ही सभ्य इंसान है और बहुत धर्मात्मा है और भगवान का भक्त है और ब्राह्मण की सेवा करने वाला है, ऐसा आज तक हमने कोई नहीं देखा, बड़ा ही कुशल सम्राट है, मैं भी अपने राज्य उसी को ही सौंप देता हूँ और मैं भी भगवान की भक्ति में लग जाता हूँ। उसने मदन सेन को कहा कि मदन तुम अपने जीजा को बुला करके ले आओ, मैं भी उसे अपना राज्य सौंप करके निश्चिंत हो करके भगवान की भक्ति करूँगा। तब मदन सेन जैसे ही जाने लगे उनको बुलाने के लिए, रास्ते में इधर से तो चंद्रहास जी जा रहे थे देवी के मंदिर में पूजा करने के लिए, उधर राजभवन से मदन सेन आ रहे थे अपने जीजा को बुलाने के लिए। दोनों की रास्ते में भेंट हो गई। तब मदन सेन ने कहा कि हे जीजा श्री, महाराज ने आपको राज्य पद देने के लिए कहा है, आप राजभवन में चले जाइए और मैं आपके निमित्त पूजा करके आऊँगा और आप माता रानी की मानसिक पूजा कर लीजिए और माता रानी प्रसन्न हो जाएगी। जब चंद्रहास जी ने ऐसा सुना तो वे राजभवन में चले गए। वहाँ पर कुंतलपुर के राजा ने उनका राज्याभिषेक कर दिया। इधर जब दृष्ट मदन सेन जब मंदिर में पहुँचे तो बधिकों ने उनका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। किसी ने आकर दृष्ट बुद्धि को बताया कि तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई है, किसी ने मदन सेन को मार दिया है। यह सुन करके वो तो बहुत ही रोने लगा और रोता रोता मंदिर में चला गया। जब मंदिर में गया उसने देखा कि उसके पुत्र का शव पड़ा हुआ है, वह बड़ा दुखी हो गया और सिर पटक पटक करके वो भी मर गया। जब चंद्रहास जी को ये पता चला तो वे भी मंदिर में चले गए और माता रानी के आगे हाथ जोड़ करके वो भी कहने लगे कि मैं ही माता रानी, आप इन दोनों को जीवित कर दीजिए, नहीं तो मैं अपना सिर काट करके आपको समर्पण कर देता हूँ। कहने लगे, जय भगवती देवी नमो वर दे, जय पाप विनाशिनी बहु फल दे, जय भगवती देवी नमो बर दे, जय पाप विनाशिनी बहु फल दे।
इस प्रकार से वे माता रानी की बार बार स्तुति करने लगे। माता मूर्ति में से प्रकट हो गई और कहने लगी, हे पुत्र चंद्रहास, ये तो तुमसे हमेशा शत्रुता का व्यवहार करता है, दुष्ट बुद्धि, इसीलिए मैंने इसको मार डाला, मेरे कोप से ही ये मारे गए हैं, फिर तुम क्यों इनको जीवित करना चाहते हैं। चंद्रहास जी बोले, हे माता रानी, मदन मैं ही मरने वाला था, क्योंकि मेरे ससुर ने मेरे लिए जो मारने का उपाय सोचा था, परंतु मदन सेन मारे गए, क्योंकि इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये दोनों जीवित हो जाएं, क्योंकि ये दोनों निरपराध हैं, इसलिए आप इनको जीवित कर दीजिए, कृपा करके आप इनको जीवित भी कर दीजिए और इनके मन में सत्य भावना आ जाए, ऐसी प्रार्थना की। तब माता जी ने उन दोनों को जीवित कर दिया। चंद्रहास जी ने ऐसा राज्य किया कि देश के सभी लोग भगवत भजन में लग गए। 300 वर्ष तक चंद्रहास जी ने राज्य किया। उनके राज्य में घर घर में हरि नाम सुनाई देता था। प्रेमवश लोग राजा चंद्रहास को सदा ही अपना सामने देखना चाहते थे। राजा चंद्रहास का चरित्र आदि से अंत तक हृदय को आनंदित करने वाला है। प्रातः काल उठकर पठन स्मरण से हरि भक्ति प्राप्त होती है। जैमिनी संहिता में व्यास जी ने लिखा है कि जो प्रातः काल उठकर चंद्रहास का स्मरण करता है, यानी उनका नाम लेता है, तो उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। चंद्रहास जी ने 300 वर्ष तक इस पृथ्वी पर राज्य किया। धन्य है चंद्रहास जी, और धन्य है उनकी भक्ति, और धन्य है उनके भगवान। ओम श्री सीताराम भगवान की जय। भक्तजनों, आज की कथा को हम यहाँ पर विराम देते हैं। कल भगवान के एक भक्त की कथा के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्रणाम।